तो भाई लोग कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जानता हूं मैं काफ़ी दिनों से वीडियो मैं नहीं डाल रहा था इस चैनल पे। मैं बहुत ज़्यादा दोस्तों बिजी था, आपसे क्या छुपाना बता देता हूं। मैं बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, धीरे धीरे आपसे सबको शेयर करूंगा वीडियो में। मैंने कुछ नए गैजेट भी खरीदे हैं, कुछ पीसी के कंपोनेंट भी खरीदे हैं। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। आपको वीडियो में कुछ क्वालिटी भी इंप्रूव लगने वाली है, नए नए कंटेंट आने वाले हैं, तो आपको पहले की तरह वीडियो मिलने वाली है और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो मिलने वाले हैं। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपके डिवाइस के लिए बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास, जो कि आप खरीद सकते हैं 200 रुपये के अंदर, 200-250 के अंदर। और यहाँ पर आप जो लोकल मार्केट में ख़रीदते हैं ना, उसके अंदर क्या कमियाँ होती हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद दोस्तों पहले लोकल मार्केट का दीवाना था, क्योंकि मैं जानता था कि वो 40-50-60-70 रुपये में तो टेम्पर्ड ग्लास आराम से मिल जाते हैं कोई सी भी डिवाइस के लिए, तो मुझे ऑनलाइन क्यों परचेस करना चाहिए, फिर मुझे महंगा टेम्पर्ड क्यों लेना चाहिए। मैं बात करता हूँ आज टेम्पर्ड ग्लास की वेराइटीज़ की। दोस्तों यहाँ पर देखिए, टेम्पर्ड ग्लास जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारी क्वालिटीज़ में आ जाती हैं। पहला तो आपको नॉर्मल टेम्पर ग्लास जो कि 40-50-60 रुपये मिल जाता है, जो कि आपके डिवाइस को बस टेम्पर चिपक जाता है आपके डिस्प्ले पे और आपको तसल्ली देता है कि मैंने अपने डिवाइस में लगा लिया है, और आपको जो नॉर्मल स्क्रैच होते हैं वो सेव करता है डिवाइस डिस्प्ले को, और आपके जो साइड्स एरिया होते हैं ना आपकी डिस्प्ले की वो बच जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है, जिससे आपको क्या होता है कि कट आपके अंगूठे पे थोड़ा सा वो महसूस होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको ये एक क्वालिटी होती है। दूसरी क्वालिटी आती है फाइबर, जो कि अनब्रेकेबल नाम करके बिकता है, और ये आपके डिवाइस को चिपक जाता है, और इसके अंदर अगेन वही प्रॉब्लम आती है कि ये साइड्स से आपके डिवाइस को कवर नहीं करता है, और ये ग्लास नहीं होता है, एक फाइबर होता है जिससे ये आपके डिवाइस को बस स्क्रैच से रेसिस्टेंट करता है, और ये बस आपके डिवाइस में लगा रहता है, और ये अगर गिरता है तो डिस्प्ले सेव नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर 4D 11D 6D करके मार्केट में बहुत सारे गिमिक तैयार हैं, और ये डी जो है ओरिजिनल होते ही नहीं है। ये जो डी आप कोई भी खरीदते हैं, आप ऑनलाइन में भी बहुत सारे डी मिलते हैं, जैसे कि ऑनलाइन में आपको फ्लिपकार्ट पे 11D मिल जाएगा जिसमें H2H बोल के बेचा जाता है, बट वो ओरिजिनल टेम्पर्ड ग्लास होता ही नहीं है। ओरिजिनल फिर क्या होता है दोस्तों, ओरिजिनल एक्चुअली आता ही नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल आता ही नहीं, बस मटेरियल ओरिजिनल होता है, उसके अंदर क्वालिटी ओरिजिनल होती है, क्वालिटी से वो अलग बन जाता है। क्वालिटी में सबसे बेस्ट जो आपको मिलता है वो मिलता है डी प्लस, इसको बोला जाता है डी प्लस, इसकी क्वालिटी का नाम है। अब दोस्तों डी प्लस की क्वालिटी आप जब लोकल मार्केट में जाएंगे वहाँ पर ये मिलेगा ही नहीं, जो आपको हॉकर्स होते हैं ना वो बुला बुला के बेचते हैं ना, वो आपको दिखाएंगे नहीं, क्योंकि वो महंगा आता है और वो आपको खरीदेंगे, वो खुद नहीं खरीदते बेचने, क्योंकि वो जो होता है बंदा वो 11D को ही महंगा बेच देता है, 200-150 रुपये में आराम से आपको 11D चिपका देता है। बट जो डी प्लस होता है वो 11D का भी पापा होता है, बाप होता है, मतलब उससे भी बेहतर होता है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। दोस्तों 11D के कुछ फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। 11D तो सबसे पहले एज टू एज होता है, ठीक है, मतलब कॉर्नर से कॉर्नर तक कोई भी साइड जगह बची नहीं रहती, कवर होती है, जिससे क्या होता है कि आपका डिवाइस पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहता है, और साथ ही साथ जो अंगूठे में फील होता है ना कि कुछ चुभ रहा है यहाँ पर, या फिर जब स्लाइड करते हैं पबजी खेलते हैं तो वो चुभता नहीं है, और ना ही वहाँ पे कोई आपको लगता है कुछ इरिटेटिंग, काफ़ी लगता है मुझे, जब मुझे नहीं पता था डी प्लस के बारे में तब मुझे लगता है। इवन लोकल मार्केट में भी आपको डी प्लस 150 रुपये के अंदर मिलेगा, 150-200-180 में मिलेगा, नेगोशिएट करेंगे तो आपको 150-120 में मिल जाएगा, बट बहुत मतलब जो बिकता है रेट मिलता है ना वो 150 में बिकता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं डी प्लस के और फीचर बताऊँ तो यहाँ पर डी प्लस में आपको जो कर्व मिलता है ना वो भी देखने मिलता है, जिससे कि स्मूथ आपको कट एजिंग देखने मिलते हैं, जिससे कि आपका डिवाइस पूरी तरह से प्रोटेक्टेड और स्मूथ रहता है। और सबसे अहम बात स्मूथ से मुझे याद आया कि डी प्लस के ऊपर आपको ओलियोफोबिक कोटिंग देखने को मिलती है, जो कि मैट फिनिश कहलाता है, आपको बहुत सारे इसको बोला जाता है मैट फिनिश बोला जाता है, इसको ओलियोफोबिक कोटिंग को ही मैट फिनिश बोल दिया जाता है, और इसको ओजी कोटिंग में बोला जाता है, ठीक है, ओजी पबजी कोटिंग में बोला जाता है। इससे होता क्या, ओलियोफोबिक कोटिंग एक्चुअली में है क्या, ठीक है, तो ओलियोफोबिक कोटिंग होता है ये कि आपने जब नया मोबाइल परचेस किया तो आपने देखा होगा कि डिस्प्ले के ऊपर भी एक हल्की सी फिल्म चढ़ी होती है ना, तो आप जब उस फिल्म को निकालते हैं, ठीक है, तो वो आपकी डिस्प्ले कितनी ज़्यादा स्मूथ रहती है ना, मतलब पबजी खेलेंगे बिल्कुल आपके अच्छे किल आ जाएंगे, बिल्कुल स्मूथ रहेगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल चिकनी बोले तो हिंदी में, ठीक है, तो वो जो चिकनापन है, स्मूथनेस है ना डिस्प्ले पे, वो ओलियोफोबिक कोटिंग की ही वजह से होता है, ठीक है। तो आप जब नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास लेते हैं, 11D लेते हैं, तो उसके ऊपर वो ओलियोफोबिक कोटिंग नहीं होती है, जिससे कि आप का डिवाइस जो कि आपने 15-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया है तो वो जो एक्सपीरियंस नहीं ले पाते आप,
और जब पबजी खेलते हैं तो मेरे साथ तो बहुत बुरा होता था कि मैं पबजी खेलता था वो टेम्पर्ड ग्लास या फाइबर लगा के, तो मैं क्या करता था कि मैं पबजी खेल नहीं पाता था। मतलब मुझे क्या करना पड़ता, ऐसे में थूक लगाता था फिर मैं खेलता था, या फिर तेल होता था बाल में तो तेल में अंगूठे मतलब चिकनाहट लाने के लिए मैं करता था। और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे जिस पे लोग पाउडर छिड़क के मोबाइल पे तब पबजी खेल रहे थे, वो विदाउट ओलियोफोबिक टेम्पर्ड ग्लास लगाने की भी वजह से होता है। तो यहाँ पर डी प्लस में आपको ओलियोफोबिक कोटिंग भी देखने मिलती है। और जो नॉर्मल फीचर होते हैं ये ऑल ग्लू होता है, कि ऑल ग्लू का फ़ायदा क्या है, फुल ग्लू बोला जाता है, एफ जी बोल लो, फुल ग्लू बोल लो, तो फुल ग्लू का फ़ायदा ये है कि आपके डिवाइस में बबल नहीं आएगा। आप खुद लगाएंगे इसको, बिल्कुल प्रॉपर फिट करने के बाद आप बबल जहाँ पर भी दिखाई पड़े बबल को प्रेस करके रखिए, प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, 2 से 5 मिनट तक प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, बबल गायब हो जाएगा। क्योंकि बबल किस लिए आता है, जब बबल इसलिए आता है जब आपका जो ग्लू है वो फुल ग्लू टेम्पर्ड ग्लास नहीं रहता है, या फिर ग्लू जो है कम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप उसको प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो बबल है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो चिपक जाएगा आपकी डिस्प्ले के साथ, जिससे कि आपकी डिस्प्ले को बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन मिलेगा। और आपका जो ये डी प्लस है ये इंडस्ट्री फिंगरप्रिंट डिवाइस है, जैसे कि रियलमी XT सीरीज़, X सीरीज़ के लिए भी कंपेटेबल है। तो अब बात कर लेते हैं इस डी प्लस को, आपको और दिखा देते हैं इसको। तो अगर आपको इसको बाय करना है तो आपको कहाँ बाय करेंगे, नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके घर तक ये बिल्कुल सेफ़ डिलीवरी हो जाएगी इसकी, सिर्फ 200 रुपये में, ऑल इंडिया आपको रेट है, कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है। अब इसका आप जब ऐप पे जाएंगे तो आपको ये 250 रुपये दिखाई पड़ेगा, बट आप जब इसको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे ना तो आपको 250 रुपये कटेगा आपके UPI से या फिर पेमेंट से, डेबिट कार्ड से। उसके जब आपके पास डिलीवरी हो जाएगी तो आपने जिस नंबर से ऑर्डर किया है ना उसी नंबर पर 50 रुपीज़ का कैशबैक आ जाएगा थ्रू पेटीएम या फिर UPI, ठीक है। मतलब मैनुअल तरीके से कैशबैक आएगा, बट कैशबैक आ जाएगा, क्योंकि ये जो ऑफ़र है ये सिर्फ आप ये जो यूट्यूब के व्यूवर्स हैं उनके लिए है। अदरवाइज़ अगर जो भी बंदा अननोन बंदा जाता वो तो 250 रुपये में खरीद लेगा, COD कर लेगा, तो COD भी अवेलेबल है, बट COD पे क्या मिलेगा, वो 250 मिलेगा। बट ऑनलाइन पेमेंट पे आपको 50 कैशबैक आफ्टर डिलीवरी ऑफ पेमेंट करने के बाद आपको डिलीवरी मिलेगी। और डिलीवरी आपको कितने दिन मिल जाएगी, आपको ट्रेस करने का भी ऑप्शन मिलता है इसमें, जो भी आप कर लीजिए पेमेंट की, आपने आपने शॉपिंग की है फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे, वैसे इस पे भी आप अकाउंट बनाइए, शॉपिंग करिए, बहुत ही जेन्युइन है, मेरा खुद का स्टोर है, आप खुद परचेज़ करिए। और अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न का भी ऑप्शन है इसमें। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 0.3 mm, मतलब 0.2 या 0.3 mm आप मैक्सिमम लेकर चलिए, कि आपकी जो स्क्रीन है जो इसका डार्क एरिया होता है, बाउंड्रीज होती हैं, उससे हल्का सा हाइड हो जाता है डिस्प्ले, बट हाइड इतना ज़्यादा नहीं होता कि कुछ कंटेंट हाइड हो, ठीक है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई इसमें ख़ास फ़र्क देखने को नहीं मिला। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तभी पता चलेगा, ठीक है। तो 200 रुपये में आई थिंक ये बेस्ट डील है, और अगर आपको इससे बढ़िया कहीं मिलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑफलाइन मार्केट में भी आप देखेंगे तो ये 150 से 200 रुपये में ही बिकता है, और कहीं कहीं पे तो ये मिलता ही नहीं, क्योंकि दुकानदार ये रखते ही नहीं है, और हम इसको आप तक पहुँचा रहे हैं बिना डिलीवरी चार्जेस के ऑल ओवर इंडिया। विद आपको इसमें कंटेंट में क्या मिलेगा, बॉक्स में क्लीनर मिलेगा, डिस्प्ले क्लीनर जिसको बोलते हैं 1 और 2 नंबर, ड्राई एंड वेट। तो ये था वीडियो में, वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो यही था वीडियो में, मिलता हूँ साथ में, ख्याल रखा हूँ। अब माइक में निकाल रहा हूँ, माइक ये अंदर था, बताइए वीडियो कैसी थी, ठीक है, बाय।